दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं नई भर्ती के बारे में। रेलवे में बम्पर भर्तियां निकली है, 4329 कुल पद है इसमें। 10वीं और ITI इस भर्ती पर अप्लाई कर सकते हैं। ना इस भर्ती पर कोई एग्जाम होगा ना कोई इंटरव्यू, सीधे भर्ती होगी। मेरिट के आधार पर इसमें आपका चयन होगा। ऑल इंडिया के मेल फीमेल इस भर्ती पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 दिसंबर 2018 है। दोस्तों इन 4329 पदों पर पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी मिलने वाली है, कैसे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे सिंपली इस पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी। सबसे पहले आप यहां पर ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है। एक्ट अप्रेंटिस इसमें पोस्ट निकली है। टोटल 4329 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं क्लास पास या इसके बराबर एग्जामिनेशन पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ। यहाँ पर आप साथ ही साथ देख सकते हो ITI ट्रेड में, जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT या SCVT से। आयु की बात करें तो 15 से 24 वर्ष है। आयु की गणना 29 नवंबर 2018 से की जाएगी। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की, PWD के लिए 10 साल की छूट है और EX सर्विसमैन के लिए 10 साल की छूट है। उसके बाद यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हो जो कि आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस देख सकते हो, SC ST PWD और ओबैन कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी है, ऑल अदर कैंडिडेट को 100 रुपये फीस जमा करनी है। मेरिट के आधार पर इसमें चयन होगा, ना कोई एग्जाम होगा ना इंटरव्यू, सीधी भर्ती है। ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो NFR.IndianRailways.gov.in। इस पोर्टल से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो, अप्लाई ऑफलाइन कर सकते हो। इस वेबसाइट से आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना है और भरने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर भेज देना है। मैं एड्रेस आपको PDF में देखकर बताऊंगा कि किस एड्रेस पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। ऑल इंडिया की भर्ती है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 29 नवंबर 2018 थी और लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 दिसंबर 2018 है। यहाँ पर आप इस नोटिस को भी देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ऑफिशियल नोटिस है। नोटिस है अप्रेंटिस के लिए, यहाँ पर 1/2018 नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। 29/11 से आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, 31/12 तक शाम के 5 बजे तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से चेक कर सकते हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास 50% मार्क के साथ, 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम से 50% मार्क के साथ, साथ ही साथ आपको ITI होना अनिवार्य है जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो। एज की बात की जाए तो 15 से 24 वर्ष है। 29/11/2018 से गणना की जाएगी। यहाँ पर छूट आप देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर छूट दी गई है जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। EX सर्विसमैन के लिए यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हो, मोड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हो, मेरिट के आधार पर इसमें आपका चयन होगा। और भी कंडीशन आप सिलेक्शन से रिलेटेड यहीं पर पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप वैकेंसीज देख सकते हो, यूनिट या डिवीजन या वर्कशॉप वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है कि जिस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में सेंड करना है, इसी टेबल से आप एड्रेस चेक कर सकते हो। राइट साइड में है, सेंटर में वैकेंसीज है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हो यूनिट या डिवीजन या वर्कशॉप दिए हुए हैं। कटिहार KIR के लिए देख सकते हो 961 यहाँ पर नंबर ऑफ अप्रेंटिस है, सामने इसके एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके एड्रेस चेक कर सकते हो। अलीपुरद्वार के लिए देख सकते हो 521 वैकेंसीज है। रंगिया के लिए 500 है। लुमदिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हो 1262 है। तिनसुकिया के लिए 444 है। न्यू बोंगई गांव के लिए देख सकते हो 243 है। और EWS या BNBN के लिए देख सकते हो 200 है। दिब्रू वर्कशॉप में देख सकते हो 198 वैकेंसीज है। सभी के लिए एड्रेस भी सामने दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको इसी PDF में मिल जाएगा। वहां से क्रॉप करने के बाद इन एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। उसके बाद यहाँ पर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज डिवीजन वाइज और ट्रेड वाइज अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हो। इसमें यहाँ पर डिवीजन देख सकते हो, यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया हुआ है मैकेनिकल, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और ट्रेड यहाँ पर दी हुई है, मैकेनिस्ट, वेल्डर। टोटल यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हो 22 है। UR के लिए 11 है, OBC के लिए 6, SC के लिए 3, ST के लिए 2। सभी कैटेगरी के लिए आप यहीं से वैकेंसीज देख सकते हो। इधर रिलेवेंट ट्रेड दी हुई है, जैसे कि मैकेनिस्ट के लिए 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड है, वेल्डर के लिए 1 साल की, फीटर के लिए 1 साल की, डीजल मैकेनिकल के लिए भी 1 साल की है, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 1 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड दी हुई है।
ये सबसे पहले मैं आपको KIR डिवीजन में दिखा रहा हूँ। KIR डिवीजन की वैकेंसीज है, ट्रेड वाइज यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आप मैकेनिकल के लिए देख सकते हो, मैकेनिस्ट, वेल्डर, फिटर सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज दी गई है। इसमें ESM के लिए 96 वैकेंसीज है, PWD के लिए 29 वैकेंसीज है। सामने ये आपको ट्रेड दी गई है, एक एक साल का इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। उसके बाद यहाँ पर आप अगली डिवीजन में देख सकते हो, APDG के लिए यहाँ पर देख सकते हो, इंजीनियरिंग, SNT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी के लिए यहाँ पर वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन सभी ट्रेड दी हुई है और वैकेंसीज कैटेगरी वाइज दी हुई है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, UR, OBC, SC, ST, ESM, PWD टोटल यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दी हुई है 961, 30, 60, 20, 20, 12, 119, 30 सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। सामने ट्रेड दी हुई है, एक साल का इसमें ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप ये सभी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ से चेक कर सकते हो। अलग अलग डिवीजन यूनिट में यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई है, अलग अलग डिवीजन के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है और ट्रेड वाइज वैकेंसीज है। वीडियो को पॉज करके आप ये चेक कर सकते हो। मैं आपको इसको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ से चेक कर सकते हो सभी डिवीजन के लिए यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर और भी कंडीशंस दी हुई है, आप इनको रीड कर सकते हो। अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो डिजेबिलिटी रिक्वायरमेंट दी हुई है, यहाँ से भी आप वीडियो को पॉज करके अलग अलग ट्रेड के लिए चेक कर सकते हो। जैसे कि फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, डीजल मकैनिक, मैकेनिस्ट, पेंटर, टर्नर, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर और AC मैकेनिक के लिए सबके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आप और भी कंडीशन पढ़ सकते हो, जैसे कि अप्लाई करने का प्रोसेस दिया हुआ है। आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट इसी PDF में मिल जाएगा, वहाँ से आपको क्रॉप करना है और पूरा ध्यानपूर्वक भरना है। जो जो इसमें डिटेल्स मांगी गई है उनके साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिलअप करना है। ₹5 का इसमें स्टाम्प लगेगा, यहाँ पर ₹100 आपको फीस जमा करनी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो SC, ST, PWD और ओमैन को इसमें फीस जमा नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, उस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में सेंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है और कैसे भरना है और कैसे सेंड करना है, पूरी कंडीशंस आपको यहीं पर दिए हुए हैं। लास्ट डेट देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 31/12/2018, यानी कि 31 दिसंबर 2018 तक आप इस भर्ती पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स है, पूरी जानकारी आपको इस PDF में मिल जाएगी। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिस, अप्रेंटिस के लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको आपको यहाँ से क्रॉप करना है, फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, यहाँ पर सीरियल नंबर डलेगा, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर यहाँ से देख सकते हो, एक्ट अप्रेंटिस 1/2018 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है जिस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, 2 करके यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लोज करना है। राइट साइड में देख सकते हो फिक्स ए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो विदाउट कैप एंड कलर्ड ग्लासेज साइन बाय द कैंडिडेट एंड अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है, 1 बॉक्स में आपको एक ही नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम देख सकते हो ब्लॉक लेटर में भी लिखना है आपको इंग्लिश में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करनी है, एज डालनी है आपको, आयु की गणना 29/11/2018 से की जाएगी। यहाँ पर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डलेगी। उसके बाद यहाँ पर सेक्स में मेल या फीमेल फिल करना है, नेशनलिटी आपको यहाँ पर फिल करनी है, रिलीजियन यहाँ पर आपको डालना है, प्लीज टिक वेदर EX सर्विसमैन यस या नो का यहाँ पर आपको टिक करना है, प्लीज टिक वेदर फिजिकल हैंडीकाप्टेड यस या नो यहाँ पर आपको फिल करना है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ इस बॉक्स में आपको टिक करना है। कम्युनिटी के लिए यहाँ पर देख सकते हो SC, ST, OBC, UR जिस कैटेगरी से हो आपको उस कैटेगरी के बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पर फिल करना है, चॉइस ऑफ ट्रेड यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कोई इम्प्लॉय है रेलवे में उसके डॉटर का नाम, डिजाइग्नेशन यहाँ पर, वर्क अंडर क्या काम करता है। उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप डलेगी, एप्लीकेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। अकेडमिक टेंथ के लिए यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट विद ट्रेड के साथ यहाँ पर डालना है, ईयर ऑफ पासिंग का साल डालना है आपको, किस साल में आपने पास किया है, डिवीजन यहाँ पर डलेगी, परसेंटेज ग्रेटेड यहाँ पर ट्रेड ऑफ ITI इसमें टेंथ में नहीं है। उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल ITI ट्रेड की यहाँ पर आपको इसी तरह डिटेल डालनी है और ट्रेड ITI यहाँ पर डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है NCVT या SCVT किस से आपने ITI किया हुआ है यहाँ पर आपको फिल करना है। पर्सनल मार्क यहाँ पर आपको डालने हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ फीस,
फीस की यहाँ पर डिटेल डालनी है, पोस्ट ऑफिस या बैंक यहाँ पर नाम डालना है, आईपीओ या बैंक ड्राफ्ट नंबर यहाँ पर डलेगा, डेट और अमाउंट यहाँ पर आपको डालने हैं, लोकल इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट यहाँ पर डालनी है अगर दिया हुआ है तो। उसके बाद यहाँ पर आप और कंडीशंस रीड कर सकते हो, एलटीआई या आरटीआई ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर यहाँ पर आपके सेंटर वाले बॉक्स में करने हैं, डेट और प्लेस यहाँ पर डलेगा राइट साइड में। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डेट डलेगी, सिग्नेचर यहाँ पर सिक्योरिटी क्लर्क के होंगे, सिग्नेचर हो गए यहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज के, जो डिटेल्स आपको इसमें दी गई है उसको फिल करना है, जो आपको भरने के लिए दी गई है उसी को फिल करना है, जो भरने के लिए नहीं दी गई है उसको फिल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल लेटर कम एडमिट कार्ड का भी यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इसमें भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है, यहाँ पर नेम लिखना है कैंडिडेट का, फादर्स नेम, पोस्टल एड्रेस यहाँ पर डलेगा, उसके बाद यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी गई है फिल करना है, साथ ही साथ एडमिट कार्ड की डिटेल्स भी आपको फिल करनी है, और जो मैंने एड्रेस आपको बताया है अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग एड्रेस यहाँ पर दिए हुए हैं, उस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में भेजना है। यहाँ पर एड्रेस देख सकते हो आप अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग वैकेंसी और एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, इसको पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और इस पेज पर पहुंचने के बाद यहां पर देख सकते हो नोटिफिकेशन और फॉर्म की टैब दी गई है, इस टैब पर क्लिक करके आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसी के एंड में आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट का स्ट्रक्चर मिल जाएगा और साथ ही साथ एडमिट कार्ड का स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।